नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, अभी चल रहा है मार्गशीर्ष महीना। मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण का रूप है। आपको पता होगा भगवद गीता के दसवें अध्याय का जो 35वां श्लोक है, उसमें जो उन्होंने अपना रूप दिखाया है कि मैं कौन हूँ, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष महीना हूँ। दोस्तों, इस महीने आप भगवान श्री हरि की जितनी ज्यादा सेवा पूजा करते हैं, स्पेशली भगवान कृष्ण की, आप अपने जीवन को बदल देने तक की पूरी क्षमता रखते हैं। इस महीने में जो भी उपाय किए जाते हैं भगवान नारायण के नाम के, भगवान कृष्ण के नाम के, आपको तमाम चीजों में जबरदस्त सफलता मिलने लग जाती है। जितना ज्यादा आप उनका नाम बोलोगे, उतनी ही ज्यादा आपको सफलता हासिल होगी। महीने में दोस्तों दो एकादशियां आती हैं, तो इस महीने में जो एकादशी आ रही है, पहली एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, जो 30 नवंबर मंगलवार के दिन है। ये सुबह 4:13 से शुरू हो रही है, जो बुधवार के दिन 2:13 तक रहने वाली है। मंगलवार के दिन सुबह 4:13 से शुरू हो रही है, जो बुधवार के दिन दोपहर 2:13 तक रहने वाली है। दोस्तों, जो लोग एकादशी करने की, उपवास करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, उन्हें बता दूं कि एकादशी की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से ही की जाती है। उत्पन्ना एकादशी वाले दिन से एकादशी करने की शुरुआत होती है। आज के दिन व्रत उपवास करने से आपको अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। आज के दिन भूखे को भोजन जरूर करवाएं, जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य जरूर करें। आज के दिन दोस्तों सूपे के ऊपर मसूर की दाल रख करके यदि आप लाल गाय को खिला देते हैं तो आपके तमाम पापों का नष्ट होता है। वैसे दोस्तों एक कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन चावल, मसूर की दाल ये छुए नहीं जाते हैं, लेकिन इस एकादशी को दोस्तों यदि आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपको कोई पाप नहीं लगता है। हाँ, चावल है और इन चीजों को आपको खाना नहीं, जो परवल की सब्जी है उसे भी आप इस दिन ना खाएं। सत्संग करें, भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की घर में स्थापना करें। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र से आप उनकी सेवा पूजा करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें, बरगद के पेड़ की पूजा करें, बिल्व पेड़ आता है जो बिली पत्र का, तो बिल्व वृक्ष की आज के दिन पूजा करने से आपके जन्मों के पाप कटते हैं। आज के दिन पीपल के पेड़ पर यदि आप 108 प्रदक्षिणा कर लेते हैं तो आपके जन्मों जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, आपका जीवन एक दिव्य जीवन बनता है। सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। आप कितनी बार ये सोचेंगे कि मैंने ये उपाय किया लेकिन मेरी जिंदगी से दुख नहीं गया, मेरी लाइफ में तो बार बार बड़े बड़े अटैक्स होते हैं। ये हमारे किसी न किसी जन्मों के फल हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, लेकिन जब हम कोई अच्छे काम करने की शुरुआत कर देते हैं तो आप समझ जाइए कि जो भी बुरी चीजें आज भी अटैक कर रही हैं, अब इसमें रिडक्शन आने वाला है, अब अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण का ये मंत्र जो मैं आपको बता रही हूँ, इस मंत्र को इस महीने दरमियान आप जितना ज्यादा जाप करोगे उतना आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। मन चाहिए आपकी इच्छा पूरी होती है। गरीब से गरीब भी धनवान बनता है। अविवाहित जो लोग हैं उनके शादी के योग बनने लग जाते हैं। लाइफ से कले नाम की चीज दूर भाग जाती है। बहुत ही बढ़िया दिन है। और उत्पन्ना एकादशी वाले दिन, उत्पन्ना एकादशी जो पहली है, जो दूसरी एकादशी है वो मोक्षदा एकादशी है। दो एकादशी आने वाली है, वैसे महीने में दो एकादशी होती है, तो इस महीने में जो दो एकादशी आएगी वो है उत्पन्ना एकादशी और मोक्षदा एकादशी। तो आप कोशिश करें दोस्तों इस एकादशी को, उत्पन्ना एकादशी वाले दिन आप पीले रंग के कपड़े पहने, तुलसी की माला ले लें, भगवान श्रीहरि की स्थापना पीले रंग के कपड़े के ऊपर करें, पीली ही आप उन्हें मिठाई अर्पित करें, गेंदे के फूल आप उन्हें अर्पित करें, घी का दिया अर्पित करें और उसके बाद
ओम नमो दामोदराय नमः, ओम नमो दामोदराय नमः। इस मंत्र का आप जितना ज्यादा हो सके जाप करें, कोशिश करें दोस्तों। यदि आज के दिन आप इसका 2100 जाप करते हैं, 2100 मंत्र जाप, या फिर 11000 का जाप कर लेते हैं, आपकी कैसी भी इच्छा है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ये एक शब्द मात्र आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करता है। कितनी बार जब आप सुनते हैं कि 10000 जाप, 11000 जाप, तो कई हमारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि क्या इसको एक बैठक में करना है, एक दिन में करना है। जो आपको एक दिन के लिए बताया जाता है उसे तो एक दिन में ही करना होता है, लेकिन क्योंकि मैं बता रही हूँ कि ये मार्ग शीर्ष महीना चल रहा है, पूरे महीने भी आप इसको कर सकते हैं, तो आप एक काम करें, इसको जैसे उत्पन्ना एकादशी वाले दिन से शुरुआत करें और उसके बाद में 3 दिन में 5 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लें। लेकिन करना है आपको एक ही समय, एक ही आसन पर, जिस जगह आपने पहले दिन किया है पूजा, उसी दिन आपको दूसरे दिन भी पूजा करनी है। 3 दिन में करें, 5 दिन में करें, या फिर 1 दिन में ही 3 या 4, 3 या 5 बैठक में या 2 बैठक में आप करना चाहें तो इसको कर लें, सिद्ध कर लें। जो चीजें दोस्तों सिद्ध हो जाती है, जिन मंत्रों का आप पूरा जाप कर लेते हैं, वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है। जब भी आपको जिस भी चीज की जरूरत हो, आप उस मंत्र का सिर्फ जाप करें, आपका वो काम तुरंत पूरा होगा। आप उस मंत्र से पानी को अभिमंत्रित करके किसी बीमार व्यक्ति को देंगे तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यदि आपको कभी पैसों की बहुत आवश्यकता है तो आप इस मंत्र को मन ही मन बोलना शुरू करें, आपको तुरंत पैसे मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति बीमार है, आप इस मंत्र को बोलते हुए उसकी जहां पर उसे दर्द हो रहा है या जो भी तकलीफ है उसके ऊपर हाथ घुमाना शुरू करें, कुछ ही देर में उसको राहत मिल जाएगी, मतलब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो आज के दिन दोस्तों इस मंत्र को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बोलें, कोशिश करें यदि सिद्ध कर सकते हैं तो जरूर सिद्ध कर लें, हर मनोकामना आपकी पूरी कर देगा। बहुत पावरफुल मंत्र है ये, तो करते रहे, खुश रहे। कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।